हेलो स्टूडेंट्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर लेके आए हैं। इसमें क्या है हमारे पास, हमने बात की थी इवेपोरेशन के बारे में, जो हमारे पास क्या था, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस चैप्टर का। तो एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, जहाँ भी इवेपोरेशन होता है वो हमेशा पीछे क्या करता है, आपके पास एक कूलिंग छोड़ के जाता है। मतलब क्या होती है, हमेशा कूलिंग कास्ड बाई इवेपोरेशन। जहाँ इवेपोरेशन होगा वहाँ क्या होगी, हमेशा कूलिंग होगी। तो वो बातें हमारे पास कैसे डिस्कस करनी है, वो चीज़ें क्या हैं। तो क्वेश्चन लिखा हुआ, हाउ डज इवेपोरेशन काज कूलिंग, या हाउ आर इवेपोरेशन कूलिंग इफेक्ट रिलेटेड हमारे पास। तो क्या हो गया, सिंपल सी बात ये है, यहाँ पे जो पार्टिकल होते हैं लिक्विड के, उनमें हमारे पास क्या होती है, हाई एनर्जी होती है, जो कहाँ पे होंगे, सरफेस पे होंगे। हाई एनर्जी कम्स इट इन द कॉन्टेक्ट विद द सराउंडिंग टेम्परेचर एंड इवेपोरेशन टेक प्लेस। मतलब आपके पास क्या है, जो पार्टिकल्स कहाँ पे हैं, बिल्कुल सरफेस पे, टॉप पे हैं, वो क्या आएंगे, सराउंडिंग के कॉन्टेक्ट में हमारे पास आएंगे, और वहाँ से क्या हो जाएगा, वो पार्टिकल्स की एनर्जी ज़्यादा होगी, वो क्या होंगे, इवेपरेट होना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे जैसे हमारे पास कंटिन्यू रहेगा, द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टेक प्लेस। वो एनर्जी क्या करेंगे, सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करते रहेंगे। एंड दिस एब्जॉर्प्शन एनर्जी वो क्या करेगी, अगर हमने सराउंडिंग से एनर्जी ले ली तो वो क्या करेगा, हमारे पास जो अंदर का टेम्परेचर है उसको क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो क्या हो गया, उससे क्या हो रहा है, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एंड द कूल, हमारे पास क्या हो जाएगी, टेम्परेचर कम हो जाएगा और कूलिंग हमारे पास क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। कुछ एप्लीकेशन देखते हैं हमारे पास डेली लाइफ से, आप समझ जाओगे इन चीज़ों को। हम समर में क्या करते हैं, वी स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन कार्ट यार्ड इन द समर्स। हम छत पे पानी वानी डालते हैं हमारे पास, ताकि क्या हो, सोने के लायक हो जाए, हमारे पास वो ठंडी हो जाए। ऐसा क्यों है, द रीज़न बिहाइंड दिस इज, एज द वाटर हमारे पास क्या हो जाएगा, इवेपरेशन करेगा, तो क्या करेगा, एब्जॉर्व करेगा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सरफेस, और वहाँ से क्या हो जाएगा, वो चीज़ हमारे पास सरफेस क्या हो जाएगा, हॉट से कहाँ चला जाएगा, कूल में हो जाएगा। अगली हम बात करें, जो मटके का पानी होता है हमारे पास वो ठंडा होता है समर्स में, ऐसा क्यों, क्योंकि वाटर प्रेजेंट जो अर्थन पॉट में होता है वो स्लोली क्या करता है, सीप्स आउट थ्रू द पोर्स ऑफ द वॉल्स ऑफ द पॉट। बाहर वो क्या होता है, हल्का हल्का रिश्ता रहता है हमारे पास, बाहर आएगा कहाँ आएगा, रीचिंग द आउटर सरफेस, और वहाँ से क्या करेगा, वो अंडरगो इवेपरेशन, उसका क्या हो जाएगा, इवेपरेशन होना स्टार्ट होगा। और जहाँ इवेपरेशन होगा वहाँ क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब हीट करेगा फ्रॉम द सराउंडिंग, और वहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, जिससे पानी क्या हो जाएगा, उसके से ठंडा होता चला जाएगा। तो बहुत सिंपल सिंपल सी बात है हमारे पास ये। अगला बोल दिया, वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सोसर देन ए कप। एक हम कप में चाय पीते हैं, एक आप किसी खुले बोल में हम चाय वगैरह पीते, तो क्या हो गया, खुले वाले में हमारे पास क्या है, ज़्यादा एरिया मिल गया, सरफेस एरिया बढ़ गया। उसको पता है सरफेस एरिया बढ़ते हमारे पास क्या हो जाएगा, इवेपरेशन बढ़ जाएगा, इवेपरेशन अगर बढ़ गया हमारे पास तो वहाँ से क्या हो जाएगा, उसे जल्दी कूल होना स्टार्ट हो जाएगी। क्या लिखा है, ड्यू टू कूलिंग इफेक्ट कॉज बाय द इवेपरेशन, जो रेट ऑफ इवेपरेशन हमारे पास आ रहा है वो इंक्रीज करेगा ड्यू टू लार्जर सरफेस एरिया। अगला हमारे पास है, हम प्रीफर करते हैं कि कॉटन क्लोथ्स पहने समर में, तो वही हमारे पास सेम रीज़न है कि बॉडी में क्या आएगा, पसीना आएगा, स्वेट आएगा। तो जब स्वेट हमारे पास सरफेस पे आएगा स्किन की, तो क्या हो जाएगा, बाहर गर्मी है, धूप है, हमारे पास क्या होगा, जल्दी इवेपरेशन स्टार्ट होगा उसका। तो हीट एनर्जी कहाँ से लेगा, सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करेगा, और तुम्हारे पास टेम्परेचर बॉडी का वो क्या हो जाएगा, कूल होना स्टार्ट हो जाएगा। सर्जन स्प्रे करते हैं सम ईथर ऑन द स्किन बिफोर परफॉर्मिंग माइनर सर्जरी। इन्फॉर्मेशन क्या होता है, ईथर का बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है, अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है तो क्या करेगा, इवेपरेशन आसानी से हो जाएगा। जहाँ इवेपरेशन होगा वहाँ क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हमारे पास क्या हो जाएगा, सो लो दैट इट ऑलमोस्ट बिकम्स नम, हमारे पास स्किन क्या हो जाएगी, वहाँ से सुन पड़ जाएगी हमारे पास, पता कि हमारे पास क्या है, इजीली वहाँ पे कोई पेशेंट को पेन ना हो। बॉइलिंग में इवेपरेशन में क्या डिफरेंस होता है, तो बॉइलिंग पता है क्या होती है, रैपिड वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड, जिसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं कहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट के आसपास, ये नेचुरल हमारे पास होता है, ये हमें कहाँ करना होता है, बिलो बॉइलिंग पॉइंट, ये फास्ट होता है, ये स्लो होता है हमारे पास। ये अगर कहाँ पे करता है, क्या एट पर्टिकुलर हमारे पास इसके लिए क्या चाहिए आपको, टेम्परेचर हमारे पास ये किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, बिलो बॉइलिंग पॉइंट। ये बल्क फिनोमेना है, ये हमारे पास कहाँ है, सरफेस फिनोमेना, इसमें कोई कूलिंग कॉज नहीं होती, हमारे पास क्या होगी, हमेशा कूलिंग काज आपके पास होनी ही होनी है। इसके अलावा हमारे पास दो बातें हो रहे हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे पास तीन आए थे, एक हमारे पास आया था सॉलिड लिक्विड गैस, उसके अलावा दो और होते हैं, वो कौन कौन से हैं, एक हमारे पास है प्लाज्मा स्टेट। द मैटर इन द स्टेट इज इन द फॉर्म ऑफ, हमारे पास क्या होती है, वो आयनाइज गैसेस की फॉर्म में होती है, द कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रल मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव एंड आयन्स एंड अनसोल्ड अनबाउंड इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास मतलब क्या है, इसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज भी है, आयन्स भी हैं, और हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो गया, चार्ज हमारे पास क्या है, इतना ही प्लस का इतना माइनस का क्या हो गया, ओवरऑल चार्ज हमारे पास कैसा हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। जो हमारे पास टेम्परेचर यहाँ पे आएगा वो क्या होता है, 1000 से लेकर 15000 के बीच, मतलब काफ़ी हाई हमारे पास क्या मिलने वाला है, टेम्परेचर मिलने वाला है। अराउंड 99% ऑफ मैटर हमारे पास जो एंटायर यूनिवर्स में है, वो हमारे पास किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, प्लाज्मा में। जैसे जो भी सन्स हैं, स्टार हैं, गैलेक्सी हमारे पास सारी क्या होती हैं, इसी में चीज़ में क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती है। लास्ट हमारे पास है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो हमारे पास जो इंडियन साइंटिस्ट थे, सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने मिलकर इसको बनाया था। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन ए गैस हैविंग वेरी लो डेंसिटी, किसी गैस की हमारे पास डेंसिटी क्या है, काफ़ी कम है,
उसको हमने कूल कर दिया एट सुपर लो टेम्परेचर क्लोज टू एप्सिलोट जीरो। हमारे पास कहाँ ले आए सिलिकॉन्स को, जीरो के पास ले आए। तो यहाँ पे क्या होगा, एटम्स कंबाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे टू फॉर्म सुपर एटम। वहाँ से हमारे पास क्या बन जाते हैं, सुपर एटम बन जाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास सुपर फ्लूड सच एज लिक्विड हीलियम कूल टू नियर एप्सिलोट जीरो। हमारे पास इसका एग्जाम्पल है ये एक BEC का एग्जाम्पल। तो कोई एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसके NCERT आप सोल्व कर लेंगे। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे एट होम, बाय।